ये वीडियो बस एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, तो काइंडली इसे दिल पर ना लें। तो चलें शुरू करते हैं। जी तो नाजिर, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। तो आइए हम आपको वेलकम करते हैं पाकिस्तान के दूसरे नंबर वन शो पर, जहां पर सब कुछ होता है, यू नो व्हाट आई मीन, सब कुछ। तो आइए हम आपको मिलाते हैं आज के गेस्ट से, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, क्या ही बताऊं, बहुत ही ज्यादा। अबे कोई डिमांड नहीं थी। अच्छा नहीं थी। तो हम आपको मिलाते हैं पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत भोला 2.0, जिनका किसी को भी नहीं पता बट आप पता लगेगा। तो आइए मिलते हैं पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत भोला 2.0। जी तो भोला साहब, हमें आप बताइएगा, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, वो बब्बा है ना, एक ट्रक अड़ गया था, तो ना उसकी वजह से मैं लेट हो गया थोड़ा सा। हाँ, इतना सा लेट हो गया। जी तो नाज़रीन, आपने देखा इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ बिल्कुल भी नहीं हुई थी, इनको हमने गाड़ी भेजी वैसे ही आए। तो आप हमें बताइएगा कि कैसा लग रहा आपको हमारे शो पर? मुझे तो इतना मजा नहीं आ रहा। इतनी देर से बिठाया हुआ है और खाने के लिए कुछ दिया भी नहीं, ऐसे प्याशा बैठा हूँ, बंदा पानी रख लेता है थोड़ा सा। हाँ तो यार चाय चाय पिला यार, शाट में समोसे का भी कह दे उसको। हाँ बब्बा बात सुन, थोड़ी सी ना लाल केचप भी लेकर आई। हाँ वो बहुत मजा आता है इससे। हाँ जी, अभी आ रहा था आपका सामान, अभी आया था। जी तो बोला जी, हमें आप बताइएगा, जो मैं समझता हूँ कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक इंसान आपसे पूछना चाहता है, कि आपको नूरी से प्यार कैसे हुआ? प्यार होता नहीं, हो जाता है। वो बात कुछ ऐसे थी, वो ना अपनी अम्मा के साथ में मेरे घर में आई थी, तो मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे दिल में ना ऐसे दिल धक धक हो रहा था। हाँ तो मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे वो बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ बहुत ज़्यादा प्यारी। तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ये कौन है? अम्मा कहती ये ना पढ़ने आती थी हाँ मेरे पास। हाँ ये बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ जी जी। तो नाज़रीन, हम इनसे और भी बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए हम इनसे पूछते हैं। भोला जी, क्या आपने कभी सोचा था कि आप इब्रार शाहिद के शो में आएंगे? क्या आपने कभी सोचा था कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी? जरा अपनी अवाम को बताइएगा, आपको बहुत सारी अवाम देखती है। जी पहली तो बात, तू है कौन? मैं तो तुझे जानता भी नहीं। जो जानता हूँ, ये क्या याद आया, वो एक दफ़ा ना मैं मोबाइल देख रहा था, तो ना तेरी वीडियो आई थी सामने, तो मैं देख रहा था तेरा इतना 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 बड़ा मुँह, मैं मेरे से बड़ा मुँह आ रहा था। हाँ तब देखा तो। हाँ जी सही सही बिल्कुल। अच्छा एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आखिर आप इतने मशहूर क्यों हैं? आखिर आपकी इस मशहूरी की वजह क्या है? वो लोगों को ना कुछ नया करके दिखाना, तो लोग ना ऐसे उदास बैठे होते थे, तो कहते थे पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया मैं, यहाँ पर तो कुछ मजा भी नहीं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लोगों को ना हंसा दिया जाए, तो फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम मैं सो रहा था तो सुबह उठ के देखा तो मैं ऐसे बोला बन गया। हाँ हाँ जी बोला। सही, तो आपके बारे में बहुत सारी अफवाह फैल रही है कि आप इंसान नहीं कोई और मखलूक है, कैसा सच है? इतने बेउदा सवाल पूछ रहा है, खुद होगा तू दुनिया से आखिरी जो एलियन नहीं उतरता जानवर की तरह, वो खुद होंगे जो सोचते हैं। मेरी अम्मा कहती है मेरा लाल बहुत प्यारा। हाँ मशहूर जो हो। सही, तो आपकी अम्मा का पीला कौन है? पीला भी मैं ही हूँ अपनी माँ जी का, और लाल भी मैं ही हूँ। नाज़िर आपने देखा, भोला जी सिर्फ मल्टी टैलेंटेड ही नहीं, मल्टी कलर भी हैं। तो लिहाजा इनसे हम सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं, और आइए आपके साथ हम एक गेम खेलना चाहेंगे। उस गेम का नाम है इब्रार कुछ भी पूछे, ठीक है? तो उसका आपने जवाब देना है। बेसिकली गेम ये होगी कि मैं आपसे कुछ चीज़ों के नाम लूंगा, वो नाम सुन के आपके जहन में, आपके दिल में, आपके कहीं भी जो भी वर्ड आया आपने मेरे मुंह पे मार देना। तो बाद में ना कहीं मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना, तो तूने गुस्सा करके उधर से चले जाना। हाँ नहीं मैं कभी गुस्सा नहीं करता। अच्छा जी, हम गेम शुरू करते हैं। पहला सवाल, भोला आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भोला क्या और कौन है?
बोला बोला कौन है बोला बोला एक वो कहते हैं ना अल्लाह ताला का नेक बंदा वो है बोला हाँ जिसे कुछ भी नहीं पता होता बहुत सीधा शादा सा बोला है हाँ जी। तो नाज़िर आपने देखा भोला एक बहुत प्योर दिल के इंसान है जी। तो भोला जी सेकंड सवाल, आपने एक ड्रामा किया, आपको कैसा लगा वो ड्रामा करके? मैं तो सोचता था पता नहीं लोगों को पसंद भी आएगा कि नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना इज्जत देने वाली अल्लाह की। आप तो सर आपकी तो एक्टिंग माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, तो अगली चीज क्या ले कर आओ? चीज दो चीज दो ले कर साथ में उसको कहीं केक भी ले कर आई। हाँ जी, आपकी बिल्कुल सारी डिमांड पूरी की जाएंगी, आपको शो के बाद सब कुछ दिया जाएगा, बेफिक्र रहे। अच्छा जी, तो अगली चीज आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे जाके कैसी होगी, कुछ बेहतरी आएगी मुल्क में? बेहतरी यही आएगी कि आगे जाकर लोग जो है ना वो सड़कों पे आ जाएंगे, हाँ डरने देंगे, हाँ कुछ भी नहीं बदलेगा, लोगों के पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होंगे और फिर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होंगे, तो लोग बस ऐसे ही सड़कों पे बैठे होंगे, कोई उस कोने में बैठा होगा, कोई उधर बैठा होगा, हाँ ऐसे ही होना। हाँ इमरान खान तक बात ना चले, ठीक है ना? जी 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 ठीक है। तो जी हाँ, अगली चीज आपको इमरान खान कैसे लगते हैं? कोई अच्छी बात निकलेगी? वो कौन है? वो कौन है? वही जो कहते हैं आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, निशना झूठा झूठ बोलता है, घबराना नहीं है, समोसे की तरह। ठीक माँ आपने बहुत अच्छी बात कही जी। तो नाज़रीन आप इस बात को लिख लें कि भोला ने कह दी एक बात तो वो हो जाएगी कभी ना कभी। अच्छा जी, तो अगली चीज़ क्या आपको एक सच्ची वाली मोहब्बत हुई है? सच्ची वाली जिसको दिल में मतलब कि कहते हैं कि एक दफ़ा देख के ही गिटार बजे और यू नो व्हाट आई मीन। हुई थी वो मुझे ना मेरी मुमताज बेगम से मोहब्बत हुई थी। मैंने ना उसको शशरकश में देखा था तो मुझे ना उससे प्यार हो गया था। वो कहती बोले इधर आ बात सुन, तू मुझे वो बहुत प्यारा लगता, तो तब मेरे दिल में ना घंटी बजी थी तन तन। हाँ तो तब मैंने उसको कहा मैं तेरे से बहुत सच्चा प्यार करता हूँ, अगर से कहती तू प्यार करता है ना तो तू ऐसा कर मेरे पास ना पहनने के लिए कंगन नहीं है तो ला कर दे मुझे। हाँ तो मैंने अपनी मम्मा के कंगन ला कर दिए थे। जी 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 ठीक। तो बोला जी आप इधर इंटरव्यू लेने आए या अपना फोन में लगा हुआ है, पता नहीं किससे बातें कर रहा है, इधर इंटरव्यू ले मेरा। हाँ इधर मेरी तरफ ध्यान दे। हाँ जी मैं बोला जी आपकी तरफ ही देख रहा हूँ। अच्छा आप हमें ये बताइएगा कि टिकटॉक आप कैसा, क्या आप मानते हैं कि आगे जाके टिकटॉक का करियर बहुत अच्छा है? वो क्या होता है वहाँ पे तो सारे वो होते नहीं जो जजन जी खुश रहे वहाँ पर। हाँ ऐसे 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 नाचते हैं। हाँ पता नहीं कैसे जी जी कैसे 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 नाचते हैं, ऐसे 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 नाचते हैं। हाँ जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि हर इंसान टिकटॉक को बहुत बुरा कहता है, लिहाजा आप बोला जी ने भी कह दिया है और आप समझ जाते हैं। तो बोला जी क्या यूट्यूब पर भी क्रिंज है? वो तो बहुत अच्छे होते हैं उनका ना वो जो वो कहते हैं ना वो मेहनत करते हैं बेचारे, दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं और लोगों को इंटरटेन करते हैं, तो आगे से लोग कहते हैं ये करते हैं क्या ऐसे अच्छा तो टिकटॉक है। हाँ बोला जी आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं चाहूँगा कि ये बात रिपीट पे 12-13 दफ़ा आए। तो दरअसल आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये चैनल जो इतनी कठिन मेहनत करता है फिर भी व्यूज़ नहीं आते, आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग भला क्या कहते हैं, लोग कहते हैं हमें कोई गंदी गंदी चीज़ दिखाओ फिर हम देखेंगे, कोई साफ चीज़ आज तो कहते हैं पता नहीं क्या आ गया इसको ऊपर करो यार। लोगों का क्या है, लोग एक मिनट रुक के आराम से भी वीडियो देख लें तो उनका क्या बिगड़ना है, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं दिन रात लगा कर भी वीडियो बनाते हैं तो बाद में पता लगता है कोई देखता नहीं और उन पर गुस्सा आता है जो वीडियो देखते भी नहीं है और ऐसे डिसलाइक करके चले जाते हैं। हाँ
जी ये तो बोला जी ने बहुत अच्छी बात की। देखिए जी आप अगर आए हैं तो आप लाइक करके जाएं। अच्छा जी तो बोला जी मैं बताइए क्या टिकटॉक पे हर जगह गंद ही गंद है, आखिर क्या उधर टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है? ये हम आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि जैसा कि आपने बताया कि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा क्रिंज है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये सब देखा जाता है, तो क्या हर बंदा ही उधर ये सब कर रहा है या कुछ लोग अच्छे भी हैं मेरी तरह? तू अच्छा थोड़ी है, तू 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 इतना इतना बड़े सूरत है। हाँ एक 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 लड़की है वो बहुत अच्छी वीडियो बनाती है। हाँ वो ना उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो बहुत जबरदस्त होते हैं, आँखें देखती है ना वो बहुत प्यारी लगती है। वो जैसे होती नहीं वो कार्टून में आती नहीं वो जो बारबी डॉल उसकी तरह लगती है, बहुत प्यारी लगती है। हाँ वो डैम मतलब आपकी वो क्रश है? नहीं वो क्रश तो नहीं है, ऐसी बातें ना पूछ, में मेरी दुल्हन मारेगी मुझे। हाँ आपने नाम नहीं बताया उस खवातीन का? वो प्यारी सी लड़की भला कौन है? वो रुमाइशा खान। हाँ वो बहुत प्यारी है डोल की तरह। हाँ बहुत अच्छी वीडियो बनाती है। हाँ ओके तो नासिर आपने देखा कि इनको रुमाइशा खान बहुत पसंद है जी तो अच्छा तो आपको लगता है कि वो एक उस तरह की वीडियोस नहीं बनाती, वो एक टैलेंटेड वीडियोस बनाती है, इज इट ट्रू? वो अच्छी वीडियो बनाती है, उसकी वीडियो में कोई गंद भला तो नहीं होता ना। वो अच्छी वीडियो बनाती है, लोगों को ना बस अच्छी चीज़ दिखाओ ना तो फिर लोग कहते हैं पता नहीं क्या दिखा दिया, लेकिन वो बहुत अच्छी वीडियो बनाती है। हाँ ऐसी वीडियो बनाती रहो। हाँ वो बहुत अच्छी बनाती है। हाँ बहुत अच्छी बिल्कुल सही। तो मैं आपसे एक बहुत एक मतलब समझ लें कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल एक पूछना चाहता हूँ जो आई नो कि अवाम भी सुनना चाहती है कि आज के ज़माने में टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता, क्या ये बात सच है? बब्बा तो वैसे तेरी सच है, जिसके पास इतना टैलेंट होता है ना उसकी कोई कदर नहीं होती। हाँ और जो वो उल्टी उल्टी सीधी हरकतें करता है ना जैसे आप देखते हैं वो जो एक प्लेटफॉर्म है वो क्या कहते हैं उसे जिसमें खुश रहे नाचते हैं, क्या था वो? टिकटॉक। टिकटॉक वो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर खोलो ना ऐसे ऐसे करके तो सामने अजीब अजीब शक्लें आ जाती हैं। कभी कोई ऐसे उल्टी सीधी हरकत कर रहा होता है, कोई कहता है मैं ऐसे पार्क में जा रहा हूँ मुझे मुझे बहुत जोर से अजीब अजीब सी बातें करते हैं। हाँ वो टैलेंट वो तो गलत बात करते हैं। हाँ क्या बोल यार ये काट दी अपना कैमरामैन भी टिकटॉकर है। अच्छा तो मैं आपसे ये एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि चीज़ दे मुझे चीज का कहता रहता देता है नहीं निशना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सारा दिन आप कोई मतलब आप बताएं कि आपके दिन की रूटीन क्या है, आप सारा दिन क्या क्या करते हैं, आखिर इस फिटनेस का क्या लॉजिक है पीछे? खाता हूँ खा कर बैठ जाता हूँ, टीवी देखता हूँ और मोबाइल में लगा रहता हूँ। हाँ और वो आजकल वो एक गेम नहीं चली हुई क्या 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 कहते हैं उसमें जिसमें ऐसे गोलियाँ मारते हैं डू 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 सीआईडी वो क्या होता है सीआईडी? नहीं नहीं यार वो जहाज में से छलांग नहीं मारते, ऊपर से इतनी ऊपर से छलांग मारते हैं ऐसे घर की छत पे उतरता बंदा। हाँ ऐसे फिर वो चीजें ढूंढता। हाँ अच्छा वो सब अरे वो पबजी। हाँ पबजी पबजी जी जी खेलता हूँ। हाँ सही तो आप किस लेवल पे हैं? वो तो नहीं मुझे पता वो लेवल नहीं, मैं उतरता हूँ ऐसे उतर के ना तो मैं गन पकड़ के फौजी मारता हूँ, मुझे लेवल का नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलता हूँ। हाँ मैंने कभी गोल नहीं किया लेवल पे। हाँ बोला जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा क्या आपको इस शो पे मजा आ रहा है? आए 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 मजे आए मजे। हाँ जी मजे बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी तो आप हमें बताइए क्या ये इंटरव्यू आपका एक पहला इंटरव्यू जो आप जिसके बारे में आप अपना पर्सनली सबको बता रहे हैं? ये इंटरव्यू में मैं तो इस बंदे को जानता भी नहीं था। हाँ बताया था ना मैंने इसका इतना बड़ा मुंह देखा था ना तो तब से मुझे इसकी शक्ल थोड़ी सी याद हो गई है। हाँ तो मजा आया, लेकिन एक बात है अभी तक समोसे नहीं आए, भूख लग रही है मुझे। याद ले यार समोसे क्या टूटा इतनी
देर से बताया हुआ है मुझे, शमोशी अभी तक तेरे आए नहीं, नीशना। तो नाज़रीन आपने देखा कि आज हमारे बहुत एक यार दे पे वे वेले आन बबल बल पतिया कटटक दिखरा मैं सोने जी। तो ये आपने देखा कि भोला मल्टी टैलेंटेड है, ये गाना भी गाते हैं। भोला जी आप में कितने सारे टैलेंट है, आखिर आप ऐसे कैसे हैं, इसकी कोई रीज़न? इसकी कोई रीज़न थोड़ी है, बंदा अल्लाह अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है ना, तो वो अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है ना, अल्लाह ताला की तरफ से हाँ सब कुछ मेरे बीच में है। हाँ जी, तो नाज़रीन आपने देखा आज का शो, अगर आपको पसंद है तो आपको पता क्या करना है। हाँ तो भाई जान, जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियो देखनी है, एंड तक देखनी है, हाँ वो बहुत बहुत मज़ा आएगा। हाँ तो एंड पर आके आपने वो जो साइड पे लगा होता है ना, वो थम का बटन, उस पर लाइक करना और नीचे जा करना सब्सक्राइब करना, और वो होता नहीं जैसे आपके घर की बेल होती है ना घंटी टन, वैसे वो भी बजा लो ताकि हमारी वीडियो आए तो आप तक पहुँच जाए। हाँ हाँ जरूर करना, किसी ने इग्नोर किया ना तो बात अच्छी नहीं होगी। हाँ जी, तो ठीक है, तो नाज़रीन इसी अपने पन के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले शो में, अब तक के लिए बस इतना ही। समोसे नहीं आए तेरे, मीशना मुझे पैसे दे, मैं खुद जाकर जाता हुआ खा लूँगा। हाँ उठा उठ, तो कब से दिमाग खा रहे यार चीप, बस जाओ तब तक आ जाए यहाँ से, इतनी देर बिठा के रखा है मुझे, और कहता है समोसे भी नहीं, जा मैं नहीं देता इंटरव्यू, जा दफाओ इंटरव्यू हुई।